हेलो दोस्तों, ठंड के इस मौसम में अगर आपको समझ में ना आए नाश्ते में क्या बनाएं तो आप बिना सोचे समझे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी के जार में 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च ऐड करना है, 3 से 4। ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। आधा कप हरा धनिया डालेंगे अच्छे कलर के लिए। साथ ही आधा कप हम इसमें पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है तो साइड में रखेंगे, इसकी हमें बाद में ज़रूरत है। चलिए भूनना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई या फिर कोई पैन ले लीजिए, उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और साथ ही अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच घी ऐड करेंगे। आप ऑप्शनल में बटर भी ले सकते हैं। तेल घी अच्छे से गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनते रहना है जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और गुलाबी ना हो जाए। ज़्यादा हम इसमें कलर नहीं लाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे। प्याज यहाँ पर अच्छे से भून रही है जब तक, आपसे गुजारिश है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हल्की सी गुलाबी हो गई है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप कटा हुआ गाजर। ये तकरीबन 1 गाजर है मैंने लिया है 1/2 कप के करीब। डालकर अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे और गाजर जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने पहले से तैयार किया था वो डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मसाले को भूनते रहना है जब तक इसमें से कच्चापन दूर ना हो जाए। गैस के फ्लेम को मैंने लो रखा है, हल्की आंच में मैंने यहाँ पर पेस्ट को भून लिया है और इसका कच्चापन निकल गया है, अच्छी सी खुशबू आने लग गई। तो मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मटर, ये तकरीबन 1 किलो है। छीलने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, इसके दाने बहुत ही मीठे हैं। तो जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो मीठे दाने वाले हरी मटर लें। तो हरी मटर डालने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अपने जायके अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए। और हरी मटर को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मिक्स किया है आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा निखर कर आ चुका है और हरी मटर जो हमारी है हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मसाले को साफ़ करते हुए, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच के करीब पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हरी मटर को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट में हमारी जो हरी मटर का ये रेसिपी है, नाश्ता है, तैयार हो चुका है। तो आप चाहे तो इन्हें ड्राई कर ले बिल्कुल भी, और या चाहे तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। हल्का सा इसमें जो मसाले का जो पानी है ना उस वो रहता है तो उससे खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चाट मसाला स्प्रिंकल करें, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और इस तरीके से गर्मा गर्म चाय के साथ इस रेसिपी को बनाकर खाएं, खाने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। फिर मिलेंगे और भी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।